जय महाकाल, आप सभी का स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल एक्स्ट्रा नॉलेज इन हिंदी में। मैं आज आप लोगों के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट वीडियो लेके आऊँ। मेरा आज का जो वीडियो है बीएसएफ कॉन्स्टेबल ट्रेड्समैन की जो रिक्रूटमेंट आई हुई है 2788 वैकेंसी, जिसमें कि आप लोग के यहाँ पे फिजिकल के लिए एडमिट कार्ड आ चुके हैं। फिजिकल आप लोग के 18 जुलाई से स्टार्ट है, जो कि सितंबर लास्ट तक चलने वाले। पल पल की जानकारी मैं आप लोगों को प्रोवाइड कर रहा हूँ, जैसे जिस सेंटर से मुझे इन्फॉर्मेशन मिली, जिस ट्रेड की जानकारी मुझे मिल रही है। तो इसी क्रम को जारी रखते हुए आज मैं आप लोगों के लिए वीडियो लेकर के आया हूँ। इंदौर एमपी मेरे एक सब्सक्राइबर हैं, जिनका कि फिजिकल ट्रेड टेस्ट वगैरह सब कुछ कंप्लीट हुआ, बहुत ही जल्दी सब कुछ कंप्लीट हो गया और बहुत ही अच्छा ट्रेड टेस्ट फिजिकल लिया जा रहा है। जी हाँ, टाइम वगैरह भी यहाँ पे उन्हें कुछ ज़्यादा दिया गया। तो पूरी जानकारी मैं आप लोगों को अपने इस वीडियो में देने वाला हूँ, वीडियो को आप लोग लास्ट तक देखेंगे। चलिए। हेलो। हाँ, फिजिकल हो गया है तुम्हारा? जी सर, हो गया। कौन सा सेंटर था? इंदौर मध्य प्रदेश। इंदौर मध्य प्रदेश में। ये 30 तारीख को था तुम्हारा? 30 तारीख को। अच्छा, ट्रेड कौन सा था? स्वीपर। ट्रेड स्वीपर था। तो इंदौर के बारे में थोड़ी सी जानकारी दो कि क्या चल रहा है वहाँ पे। जी सर, बहुत अच्छा सेंटर है और सबसे पहली बात तो वहाँ की जो बीएसएफ टीम जो फिजिकल लेने के लिए आई है उसको कोटि कोटि धन्यवाद है कि वो किसी बच्चे का मतलब जो दिल है वो जो उम्मीद लगा कर रहा था उसके ऊपर खरी उतर रही है। अच्छा, मतलब किसी को बिना मतलब किसी को फेल नहीं किया जा रहा? जी जी बिल्कुल फेल नहीं किया जा रहा किसी को। जैसे कि कल हम जब 30 तारीख को गए थे तो वहां पर टोटल संख्या काउंट थी 100-150 बंदे टोटल उस दिन आए थे और 35 बंदे एक दिन पहले के जो वो छूट गया था ना फिजिकल, तो उसके पहुंचे थे तो उनको अगले दिन उन्होंने उनको भी लिया। अच्छा, तो टोटल मिला के हम 185 लड़के हो गए थे स्वीपर के। अच्छा, और उसमें दो क्या है कि पहले डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन हो रहा, तो डॉक्यूमेंट में सबसे बड़ी जबरदस्त बात ये निकली कि डॉक्यूमेंट में भी किसी को बाहर नहीं किया जा रहा। जैसे कि कोई मतलब बिल्कुल भी डॉक्यूमेंट अगर ओरिजिनल डॉक्यूमेंट नहीं लेकर आया है ना, तो उसको उसको मतलब बाहर नहीं कर रहे हैं। मतलब उसको उस ये बोल कि भाई आपका फोन लाया हो तो आपके फोन के माध्यम से मंगवा लो तो हम आपको यहाँ निकलवा देंगे और फोटो कॉपी मतलब करवा के हम आपका काम करेंगे बिल्कुल। अच्छा, और जब हाइट फिर उसके बाद में हाइट चेस्ट वगैरह हुआ है तो हाइट चेस्ट में जैसे कि कोई बंदा किसी के हाइट कम है तो उसको 10-12 बार 15 बार जितना वो चांस वो लेना चाहे उतना लिया। अच्छा, उसको उसको मतलब यूं नहीं कि आपको निकाल दिया आपको एक तरफ बिठा दिया, मतलब आप जितनी बार नपाना चाहो उतनी बार है कि आपको। और उसके बाद में भी वो सीओ साहब आए फिर तो बोले यार कि रिजेक्ट में कितने बेटे हैं कि रिजेक्ट में साहब 20 लड़के हैं रिजेक्ट हुए हैं, तो इसमें साहब ये सीने वगैरह में हाइट वगैरह में है। तो वो फिर गए सीओ साहब और एक फॉर्म जो रीओपन का फॉर्म भरवाया उनसे और फिर सीओ साहब ने उनकी खुद ने प्रेजेंट टाइम में खड़े होकर फिर उनकी भर्ती ली। अच्छा। उनका हाइट चेक फिर लिया तो उसमें से भी 4 बंदे को फिर से उन्होंने रिजेक्ट में से भी फिर से सिलेक्ट किया। अच्छा जी, तो 14 बच्चे सिर्फ हाइट टेस्ट में बाहर निकाले बस। अच्छा, ये बताओ एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत तो नहीं है ना किसी को? नहीं, कोई दिक्कत नहीं है, कोई एक्सपीरियंस में कोई दिक्कत नहीं है। ये जो बोलते हैं ना कि वो नहीं चलेगा ये नहीं चलेगा, बस होना चाहिए बंदे के पास में। अच्छा, और ये बताओ जैसे तुम बता रहे हो सेंटर पे जो पिछले पिछले डे के बच्चे भी आए थे मतलब? जी जी जी। ओके, तो मौसम अभी कैसा है वहाँ पे, रनिंग वगैरह का कैसा ग्राउंड? वहाँ पर क्लियर मौसम है और वहाँ पर रोड पे रनिंग हो रही है और वहाँ पर हमारा 2 गुट बनाया था 75-75 लड़के का। अच्छा, तो फर्स्ट बैच में 55 लड़के लिए थे 75 में से। अच्छा, और मतलब यूं समझो कि जो रुका नहीं बिल्कुल पैदल चल के आया ना। और सबसे बड़ी बात तो ये है कि मतलब चौंकाने वाली बात ये है कि 24 मिनट रहता है लेकिन वो उन्होंने 24 मिनट पहले चक्कर में 24 मिनट 50 सेकंड दिए। अरे यार, ये तो यार बहुत ही अच्छा सेंटर है तुम्हारा तो। जी जी, और हमारे जो चक्कर में हम 75 लड़के दौड़े थे उसमें से 49 आए और 24 मिनट 40 सेकंड हमें दिए गए। अच्छा जी जी जी, और मैं यार ये तो बहुत ही अच्छी बहुत ही अच्छा सेंटर रहा। जी जी, और मैं खुद 22 मिनट में हमें आया था। और उसके बाद भी ये है कि सबसे बड़ी और चौंकाने वाली बात यह है कि हमारा फिजिकल होने के बाद में फर्स्ट राउंड था 2800 का और फिर सेकंड राउंड था 2200 का।
दो टोकन मिल रहे थे 2800 का होने के बाद में एक, फिर 2200 का होने के बाद में 400 मीटर रहता है और वो फाइनल टोकन मिल जाता है, दोनों टोकन अपने को ले जाने देते हैं वहां पर। अच्छा ये बताओ कि तुम्हारा जो है वहां पे ट्रेड टेस्ट कैसे हो रहा है? जी बिल्कुल, और टेस्टी के लिए मतलब मैं चौंकाने वाला ये हुआ कि भगवान ने सुनी और एक भी बच्चा फेल नहीं किया उन्होंने। अच्छा क्या करवाया गया? जी काम जरूर पूरा करवाया गया, और आपसे जैसे कि मेरे से 1 किलोमीटर करीबन 1.25 घंटे तक झाड़ू लगवाया गया, वो जो खड़ा झाड़ू नहीं रहता है बड़ा झाड़ू, हाँ उससे मेरे पास मेरे साथ में एक बंदे को और किया था, 20-20 के गुड़ बनाए थे टेस्ट में, अच्छा तो उसमें तो फिर मेरे से ट्रेड टेस्ट के लिए झाड़ू लगवाया गया था, तो 1 किलोमीटर अच्छा तक झाड़ू लगवा दिया, फिर हमें बीसी को साथ में कर दिया, और फिर वो जो सीओ साहब थे उन्होंने सब तरफ देखा ठीक है, और फिर सबको 105 जने जो पास हुए थे ना, तो उन्होंने साफ बोला कि हमने किसी को फेल नहीं किया है, सब ट्रेड टेस्ट में सब पास है। अच्छा और उन्होंने हालांकि काम भी करवाया, उसके साथ में प्रोफेशनल तरीके से हमने जानकारी भी पूछी कि किसको क्या बोला जाता है, जैसे कि आपको जैसे आपके घर में लेटेंगे अगर वो ब्लॉक हो गई तो कैसे आप उसको चोक सको हटको को हटाओगे, तो जैसे जैसे आपको जानकारी है तो आप अपने अपने हिसाब से बता सकते हो कौन कौन सा चीज कैसे काम आएगा। जैसे कि मेरे से पूछा गया कि आप मेरे से ही पूछा था ये प्रश्न उन्होंने कि आपका लेटरिन चौक हो गया तो आप कैसे करोगे, तो मैंने साफ बताया भाई वो बांस का डंडा हो या चलिया हो तो उससे अपन आगे पीछे करेंगे, तो मलबा आगे पीछे जाके फिर अपन उसके बाद में बेसिन को साफ कर देंगे, तो बोले बेसिन को किससे साफ करोगे, मैं सर हार्पिक से, तो बोले कि हार्पिक से साफ करोगे तो एसिड से क्यों नहीं करना चाहते, तो मैंने कहा एसिड से अगर साफ करेंगे तो उसकी उसकी लाइट वेट जो है ना उसकी चमक चली जाएगी, और हार्पिक से उसकी चमक नहीं जाएगी बल्कि साफ हो जाएगा। अच्छा और तो फिर उन्होंने बैक टू बैक मैंने तीनों जवाब उनको सही तरह से दिए, तो फिर उन्होंने ज्यादा देर मुझे रोका नहीं और वो सारे सामान के नाम पूछ लिए और कौन सा कहाँ यूज होता है वो पूछ के फिर रवाना कर दिया। और हार्ड वर्किंग, किसी से कुछ ऐसा अभद्र भाषा का प्रयोग करना कुछ भी नहीं, आप कहकर बात कर रहे हैं भाई, सम्मान से बात कर रहे हैं और अच्छे तरीके से फिजिकल ले रहे हैं। अच्छा कुछ जैसे कि टॉयलेट वगैरह साफ सफाई भी करवाई किसी स्टूडेंट से? जी, अच्छा तो मतलब सफाई करवाई है, लेकिन ऐसा जो अन्य सेंटरों पे ऐसा हो रहा है कि उनका काम अपनों से करवा लिया, कोई ये चुकवा लिया वो करवा लिया, ऐसा हाँ कुछ नहीं हो रहा, बिल्कुल ईमानदारी से जिस बंदे ने जो ट्रेड से फॉर्म भरा ना उसके माध्यम से उससे जो वही करवाया जा रहा है बस। अच्छा और बस केमिकल वहां पे क्या मौजूद था तुम्हारा हार्पिक के अलावा, और भी एसिड और भी कुछ था क्या? जी हार्पिक एसिड और फिनाइल और जो वो गोलियां आती है ना बाथरूम शौचालय में रखने वाली अच्छा वो थी, तो उनके बारे में भी पूछा गया, तीन तीन प्रकार की गोली थी, एक बड़ी थी एक छोटी थी और उससे भी एक छोटी थी, तो तीनों गोलियों का प्रयोग कहाँ होता है, तो जो एक बड़ी गोली होती है वो सोचा वो वहाँ बाथरूम के कॉम्प्लेक्स के अंदर रखी जाती है ताकि वहाँ के पूरा कॉम्प्लेक्स में वो बदबू नहीं आती है, और एक उससे छोटी वाली जो गोली है तो वो जहाँ अपन टॉयलेट करते हैं वहाँ उस बेसिन में रखी जाती है, तो वो ली जाती है जिससे वो पानी में कीटनाशक वगैरह नहीं होए, अच्छा तो वो क्वेश्चंस क्या मतलब क्वेश्चन बोलो। उन्होंने मतलब डिपेंडेंट अनुशासन वगैरह रहते हुए क्वेश्चन उन्होंने बिल्कुल परफेक्ट क्वेश्चन पूछे और जवाब भी परफेक्ट सुन रहे, लेकिन सबसे बड़ी अच्छी बात हुई कि किसी का दिल ने तोड़ा, 185 में से 105 बंदे रनिंग पास हुए थे ना, तो उनको 105 ही को ही उन्होंने ट्रेड टेस्ट में पास कर दिया। नहीं बहुत अच्छा, मतलब ठीक है। तो और तुमने जवाब भी अच्छा अच्छा दिया है, मतलब बहुत तुम्हें अच्छी नॉलेज है। ठीक है बहुत ही अच्छा तुम्हारा रहा है, फिजिकल ट्रेड टेस्ट वगैरह ठीक दिया है तुमने। जी जी और उसी में मैंने वहां पर 15-20 बच्चे को, मेरे जो गुट में 20 बच्चे थे उनको मैंने सारी चीज की जानकारी भी दे दी थी, और कौन कहाँ यूज होगा और उसका क्या नाम है इंग्लिश में क्या हिंदी में उसका क्या प्रयोग होगा, मैंने समय लेते 5-10 मिनट का समय मिला था तो मैंने उनको सारी जानकारी भी बता दी थी। नहीं बिल्कुल ठीक है, ठीक है तुम्हें नॉलेज है, अच्छी है, अच्छी बात है। और तैयारी करो इसी प्रकार से रिटर्न एग्जाम की, ताकि इसका जो बेनिफिट है तुम्हें अब रिटर्न एग्जाम निकालते हुए अपना सिलेक्शन लो। ठीक है जी 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 सर जी, पर सबसे बड़ा है कि आपका आशीर्वाद रहा है। बिल्कुल बिल्कुल, आशीर्वाद मेरा है और रहेगा। ठीक है मेहनत करो। जी, मैं आपको ये कहना नहीं चाहता लेकिन आपके 2500 जब सब्सक्राइबर थे ना तब से जुड़ा हुआ हूँ मैं।
हाँ पुराने बच्चे हैं मेरे पास, मेरे चैनल से जुड़े हुए हैं, जो कि एक उम्मीद लगा के हैं कि कभी ना कभी सिलेक्शन हो जाए, और सिलेक्शन जरूर होगा, मेहनत कर रहे हो तो। जी, हमारा 5 जनों का ग्रुप था आपके चैनल से जुड़ने का, जिसमें से 4 जने लग गए, बस हम अकेले बचे हैं। बस तो तुम्हारा नंबर है आपकी बार, ठीक जी है? जी जी सर, आपका आपका आशीर्वाद रहेगा तो बिल्कुल मुझे इसकी बिल्कुल बात हो जाऊंगा। बिल्कुल होगा सिलेक्शन, ठीक है। जी।